नमस्कार, खबर जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलेंगे केरल के आश्चर्यजनक स्नैकमैन से। केरल के वावा सुरेश दूर दूर तक स्नैक मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। वे एक ऐसे स्नैक चार्मर है जिनके इशारे पर सांप और किंग कोबरा जैसे खतरनाक जीव उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वे सांपों के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। सुरेश को एक दो बार नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा बार सांप काट चुके हैं, लेकिन उनके हौसले कभी कम नहीं हुए। उन्हें सांपों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज का इस कदर अंदाजा है कि वे पहले ही भाप लेते हैं कि कब कोई कोबरा क्या करने वाला है। 44 साल के सुरेश बहुत छोटी उम्र से ही सांपों को पकड़ने और उन्हें वश करने का काम करते आ रहे हैं। वे अब तक 30,000 से ज्यादा सांपों को पकड़ चुके हैं। केवल सांप ही नहीं, वह तरह तरह के विषैले जीव जंतुओं को भी आसानी से काबू करते हैं। वावा सुरेश की दुनिया भर में उनकी खास पहचान है। इस खास लेकिन खतरनाक शौक के चलते ही उन्हें स्नैकमैन भी कहा जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भी वे काफी लोकप्रिय है। उन्होंने अपने नाम से एक फेसबुक पेज भी बना रखा है। सुरेश द्वारा अब तक पकड़े गए कुल सांपों में से 65 किंग कोबरा शामिल है। कहा जाता है कि केरल सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने वह ठुकरा दी। सुरेश का मानना है कि अगर वह नौकरी करने लग जाएंगे तो समाज के लोगों की मदद करने में मुश्किलें आ सकती है। सुरेश ने बताया कि सांप बचपन से मेरी जिंदगी का खास हिस्सा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे सांपों से लगाव क्यों है, लेकिन बचपन में मैं देखता था कि लोग सांपों को बुरी तरह मार देते थे। उसी वक्त से मेरे मन में इनके प्रति संवेदना जागी और मैं इन्हें बचाने के लिए आगे आया।